अस्सलामुअलैकुम, मैं हिशाम और मैं जुमान इस्माइल एक्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मुनव्वर भाई की वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी में, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया इंस्टाग्राम एंड साइन बोर्ड। जी बिल्कुल, इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आई और मुनव्वर की जनता की रिक्वेस्ट और हम पूरी ना करें क्योंकि हम खुद मुनव्वर की जनता है। हम पहले देखते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए और देखें। पहले इधर देखें फिर उधर जाके देखेगा। मैंने अभी थोड़ी देर टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर। सो आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। You know, Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. अब लोगों को nightmare आता है। मैं आपको nightmare आता है, like कैसा आता है, like कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे nightmare आता है, आप डर के उठ जाते हो। मेरा nightmare है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old, मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग चार शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी सौ सौ रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। Now you thinking कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़ी देर टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोद। उसने पहले हाय क्यों बोला, ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का, क्या मस्त आदमी है बट लंड। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया, इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो, अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Have you guys noticed in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yeah, that makes sense, because that's what newspaper do in India, hiding reality. आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना, हुआ? मेरे साथ बहुत, बिकॉज वो बच्चा मैं था। लाइक आई वाज एन एसहोल, बट घर वालों को नहीं पता, घर वालों खुद को राशि प्रोडक्शन समझते थे, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया। लाइक फर्स्ट है फारूकी नहीं, फर्स्ट है फैंटम प्रोडक्शन। और इसका रीजन था घर वालों की नजर में सबका काम करना, सबकी बात मानना लाइक अ राम, और घर के बाहर किसी को भी मार देना कूट देना दादागिरी करना लाइक अ नहीं बजरंगी। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था, कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना, मैं वीडियो उठते गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। एंड इमरान हाशमी मूवीज और पॉर्न मूवीज फॉर अस, यू गाइस अग्री वो टाइम में, बिकॉज उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था। एंड आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज करते थे, लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते,
और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियां काफी क्रिएटिव है। हाँ, लड़के फोटो डालते हैं उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने क्या? लड़कियां काफी क्रिएटिव है। मेरी कजिन है, मेरी कजिन घर पे उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का। उसके कैप्शन पता है कैसे रहते हैं? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल। मेरी पुप्पी बोलती है ना आग लगे तुम्हारे फोन को, लाइक दे यू जस्ट लीक माय सोल आई विल सेट इट ऑन फायर हैशटैग आउट ऑफ योर लीग। एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है आंटी, मतलब नीच रख दे वो रिमोट है। कैप्शन था इनोसेंट एज फक। आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं टायर्ड एज फक हंग्री एज फक, लाइक मुझे समझ में नहीं आता। लाइक ऐसी लो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए, हमारे पास है। लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बट यू लुक क्यूट, ठीक है वो अग्री। हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट, ओके तो अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल। इफ यू आर हंग्री यू राइट भूखा चौदह, दैट्स रॉन्ग। विच इज माई फेवरेट यू नो, सिंगल एज फॉक, विच इज फॉकिंग नॉट पॉसिबल। मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ, अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? ये सब होता है। और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम, मोटिवेशन कोट्स। मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता है डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट। और पीछे एक अंग्रेज बंदा है सिगार हाथ में, दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। बस देख तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है। तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सेम कलर की। मैं इंडियन हूं, मेरे घर में टूथब्रश नहीं सेम कलर। एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीदी लैम्बोर्गिनी, ठीक है तो उसके दरवाजे ऐसे थे। और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते? एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी। हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधावा ये इस्तेमाल करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, पता करो किड़ पिंड दिया मोलेस्टर। और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम, सपने की बात मुझसे कर रहा है। मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते हैं, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं, इतना पास सोते हैं। एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इसलिए जाके डैडी के पास सो। मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है। मुझे लगता है ना इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते, साइन बोर्ड को। लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है। लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं। सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी, ठीक है, बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं या एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है। तो वो बोर्ड लगा उसमें, शॉप बंद थी, ठीक है, तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है। तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे। अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछो 10 दिन के लिए क्यों बंद है। नेक्स्ट डे आके बोले भैया सुनो ना उस पर नाइन करो ना। एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन सेफ्टी, आई वाज लाइक नाइस दिस इज गुड। बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आई वाज लाइक नहीं। अगर दिल्ली जाग रहा तो वुमेन सेफ नहीं है। वुमेन सेफ नहीं है दिल्ली। मैंने न्यूज में पढ़ा अ 32-year-old दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। दैट्स टेरिबल राइट, दैट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दिल्ली वाले के पास दो दो बंदियां। हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू गाइस, मेरे में चार अलाउड। एंड मैंने
मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर पैनल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिसयूजिंग ऑफ वाटर. मिसयूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना. मिसयूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से, उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी. गवर्नमेंट इज लाइक, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे, पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैन लेके उनके मुंह पे पानी मारा. सरप्राइज मदरफकर. किसानों को पता नहीं इससे भागना था, देख पानी. कुछ किसान पीछे नाच रहे गाना. एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था, तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे. ये सब चल रहा है. और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज, वेस्ट होता है. पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था. पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता. आई एम अंडर ट्रेनिंग. See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir ban, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise ban. Cause it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical fires, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you, na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, uske kuch din ke baad, wo book mere dad ko mila. And now I don't know how to explain this shit. Because उस पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा था हाउ टू मेक बॉम्ब. डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फट गया. जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में था, उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा. इज लाइक कौन सिखा रहे बकवास तुझे, इसमें मेन आइटम मिसिंग है. दैट मेन आइटम वॉज पॉलिटिकल सपोर्ट. जोक थे उनके, कोई भी इंसान उनकी वीडियो देख ले वो बोर नहीं होगा. और हमने कभी भी मुनव्वर भाई की कोई भी वीडियो में उनके जोक रिपीट होते नहीं देखे. अब हम मुनव्वर भाई की क्या तारीफ करें, उनकी तारीफ के जितने भी पुल बांधे उतने ही कम है. और मुनव्वर की जनता, और किस वीडियो पे आप लोगों को रिव्यू चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. और हमारा टारगेट है कि हम इस मंथ में 5K अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लें, और आप लोग हमें अपना प्यार दिखाएं, और हमें आप लोगों के प्यार की जरूरत है. हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं किस वीडियो का रिव्यू चाहिए, किस सॉन्ग का रिव्यू चाहिए. हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.